चलिए अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं। देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये वापस एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, और उस कार्य का सूत्र आ गया आपके पास डब्ल्यू बराबर पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ठीक है ना। अब देखो बात को कि ये हो गया द्विध्रुव, ये हो गई मान लीजिए इसकी यह, ठीक है, तो द्विध्रुव इस तरह से ही घूर्णन कर रहा होगा, इस तरह से घूर्णन कर रहा होगा, यूं क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण इधर की तरफ, और इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण इधर की तरफ, ठीक है ना, तो इस बल के कारण वो इधर घूर्णन करेगा यूं, ठीक है। तो थीटा, अब देखिएगा, सपोज स्टार्टिंग में तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री की कोण से, मतलब कोण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा से ही लिया जा रहा है, ये दिशा किसकी होगी, देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, P की दिशा, और ये दिशा किसकी है, E की दिशा, इन दोनों के बीच में ये कोण है थीटा, इन दोनों के बीच में ये कोण कितना है थीटा। तो द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से, मतलब 90 डिग्री कोण मतलब कौन सा हो गया, मतलब द्विध्रुव जब ये हो जाए ऐसी स्थिति, तो द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से किसी भी अन्य कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिएगा इसमें, पहले लिखिए आप इसके अंदर एक पॉइंट लिख लीजिएगा पहले कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से किसी अन्य कोण थीटा तक घुमाने में, किसी अन्य कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आप चाहो तो देखिएगा, जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, आप चाहो तो भले इसमें सूत्र में मान रख दीजिएगा, मतलब देखिएगा ये तो थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक घुमाने में कार्य का सूत्र है, आपको कहां से कहां तक घुमाना है, 90 डिग्री से थीटा कोण तक, तो थीटा वन की जगह तो 90 रख दो, थीटा टू की जगह थीटा, तो पीई कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा, पीई कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0 डिग्री, सॉरी 0 0 माइनस कोस थीटा, मतलब माइनस का पीई कोस थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप पूरा ही डिराइव करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। देखिएगा, कार्य का सूत्र हमने निकाल लिया था, ठीक है, या वापस देखिएगा तो डब्ल्यू जो कार्य होता है वो कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू, टो इंटू डी थीटा, ठीक है, बल आघूर्ण है टो, तो बल आघूर्ण का मान क्या हो गया, टो बराबर पीई साइन थीटा, ये वैल्यू भी रख दें यहां पे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये तो होता है कार्य, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए, एक मिनट सुनो, स्थितिज ऊर्जा यू के लिए थीटा वन तो हो गया 90 डिग्री, और थीटा टू की जगह रख दिया थीटा, तो डब्ल्यू मतलब यू कब, जब 90 डिग्री से थीटा कोण रख दिया, ठीक है ना, और टो की जगह रख दीजिए वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा, इसमें भी एडजेक्टिव वैसे ही जैसे कार्य में किया, पीई बाहर ले लीजिएगा, तो यू बराबर पीई ले लिया बाहर, साइन थीटा डी थीटा 90 डिग्री से कोई भी कोण थीटा, अच्छा साइन थीटा का फिर समाकलन क्या हो गया, माइनस कोस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा की समाकलन, तो पीई
और समाकलन क्या हो गया इसका, माइनस कोस थीटा, समाकलन कर चिन्ह हटके, लिमिट लगा दीजिएगा 90 डिग्री से थीटा। लिमिट आपको मैं बता ही चुका हूं, जहां थीटा है पहले अपर लिमिट, उस मान में से जहां जहां थीटा है वहां 90 डिग्री वाले मान को घटा दीजिएगा। तो पीई मतलब माइनस का कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही बनना चाहिए, माइनस माइनस का कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो यू का मान कितना हो गया, पीई, और ये क्या हो गया, माइनस का कोस थीटा, या यू बराबर क्या हो गया, माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, या फिर सदिश रूप के अंदर अगर इस तरह से लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, यू बराबर माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। देखिए फिजिक्स में वेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, अगर आपको वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि वेक्टर से रिलेटेड, या फिर ये साइन 90 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान, कोस 120 डिग्री का मान कैसे निकाल रहे हैं, तो आप एक बार इसमें वीडियो जो है जरूर देखें, इसी के ऊपर सर्च कर लें वेक्टर, इसी चैनल पे वेक्टर वाला सर्च कर लें, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी उस पर। ठीक है, यू बराबर माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब एक बात सुनो, देखो यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पी ई, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, मतलब कोस 0 डिग्री मतलब माइनस का पी ई। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए, तो कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस 1, तो फिर यू बराबर माइनस का पी ई कोस 180 डिग्री, तो माइनस का पी ई और ये माइनस का 1, तो यू का मान प्लस पी ई हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात? अब एक बात और सुनो, देखो यू का मान हो गया प्लस पी ई, यहां पर हो गया मान पी माइनस पी ई, वो ध्यान से सुनना। पहली चीज, ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशि में माइनस चिन्ह किसको बताता है, मान को बताता है। ठीक है, इसलिए माइनस का पीई और प्लस के पीई में सबसे कम ऊर्जा कौन सी है, माइनस पीई, और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी है, प्लस पीई। सदिश राशि में माइनस चिन्ह केवल दिशा को व्यक्त करता है, माइनस का 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि प्लस का 4 न्यूटन बल इधर लग रहा है। सदिश राशि में माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को व्यक्त करता है, अदिश राशि में माइनस चिन्ह मान को बताता है, -4 जूल और +4 जूल ऊर्जा में ज्यादा कौन सी, +4 जूल ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई, इसलिए यू मैक्सिमम, और ये क्या हो गई, यू मिनिमम, मतलब यू बराबर क्या हो जाएगी, यू मिनिमम, और यहां पर ये यू बराबर क्या हो जाएगी, यू मैक्सिमम। ठीक है ना, यू मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो जाएगी, प्लस का पी ई। एक बात और सुनो, अगर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, तो उस निकाय का स्थायित्व, स्टेबिलिटी कम होती है। इस बात को आप ऐसे समझना, मान लीजिएगा, आप इस तरह से समझना भी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ी है यू, ठीक है ना, एक बोल तो यहां पर रखिए पहाड़ी के शिखर पर, और एक बोल ग्राउंड पर रखिए, तो स्थितिज ऊर्जा की बात कहें mgh, ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है बजाय इसकी, क्लियर, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन स्थायी तो बात को कौन ज्यादा स्थायी अवस्था में है, ये हमेशा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी अवस्था क्यों, स्थितिज ऊर्जा क्या है, कम। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, कम, और स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां स्थितिज ऊर्जा कम है, न्यूनतम है, वहां अधिकतम स्थायी अवस्था होगी, अतः अधिकतम स्थायी अवस्था, अधिकतम स्थायी
अवस्था, क्लियर यहां तक। और यहां पे बात कहें, यहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, अतः न्यूनतम स्थायी अवस्था, न्यूनतम स्थायी अवस्था, या फिर ऐसे कह सकते हैं, या सर्वाधिक अस्थायी अवस्था, सर्वाधिक अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो आप यहां तक ये सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, अधिकतम स्थायी अवस्था में, अधिकतम स्थायी अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अधिकतम स्थायी अवस्था मतलब न्यूनतम ऊर्जा, तो माइनस पीई। और न्यूनतम स्थायी अवस्था या सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में ऊर्जा कितनी होगी? तो सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में बात कहेंगे तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्वाधिक अस्थायी मतलब अधिकतम प्लस पीई। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप। थैंक यू।